एवरीवन, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा डे थर्ड इन बैंकॉक। और अभी फिलहाल मैं देखो रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी तो हो गई हूँ बट ना अभी ना कल इतना ज्यादा मैंने घूम लिया है कि आज मैं बहुत ज्यादा ना मैं थका थका फील कर रही हूँ। ऊपर से ना यहाँ पे ना मुझे नींद भी नहीं आ रही है ढंग से। वे होता है ना यार, अपने बेड पे सोने की अलग ही आदत होती है, तो मुझे ना यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही। मैं रोज रात में 3 साढ़े 3 कभी सुबह के 4 बजे सो रही हूँ, और फिर सुबह उठ के अपने नींद भी सुबह ही खुल जा रही है, सुबह उठ जाती हूँ। अभी ना थोड़ा सा ऐसे डाउन डाउन सा फील हो रहा है, सर भी हल्का सा भारी हो रहा है अजीब सा। अभी मैंने एक पैरासीटामोल ली है और बस अब सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ कहीं, क्योंकि ना मैं सुबह से ऐसे करते करते मैंने काफी देर कर ली, मैंने 2-3 घंटे पार कर दिए ऐसे कि नहीं जा रही। बट वही आई हूँ तो मैं सोचू मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज फिर कब आना होगा कुछ पता नहीं है। तो देखती हूँ अभी कहाँ जा रही हूँ। पहले ना मैंने एक दो चीजें सर्च करी हैं कि मैं वहां जाऊंगी, बट ना अभी थोड़ा माइंड ऐसा कर रहा है कि जो दूर की डिस्टेंस है ना वहां पे ना जाऊं, जो थोड़ा पास पास में मैं कवर कर सकती हूँ वो चीजें कवर कर लूं, तो इसीलिए अभी निकल रही हूँ। और एक चीज और, मैंने आपको रात में दिखाया था ना मेरी सैंडल टूट गई यार, देखो मुझे ऐसे ही पहन के जाना पड़ रहा है ये देखो। और इतना वो हो रहा है कि यार ये टूटी सैंडल पहन के जाऊंगी, सबसे पहले मैं सैंडल खरीदूंगी एक, उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगी। और ना क्या हुआ, रात में हम लोग खाना लेकर आए ना, वो सारा पता है खराब हो गया। और सुबह हम लोग इतना, एक तो पैसे भी इतने वेस्ट हो गए, पर सुबह हम लोग ने टेस्ट करके देखा वो सारा ही खराब हो गया। तो अब जाती हूँ, पहले ना मैं एक दो चॉकलेट्स वगैरह लेके रखूंगी अपने बैग के अंदर, क्योंकि चलते रहो ना तो बड़ा लो सा फील हो जाता है, तो थोड़ी सी मीठी चॉकलेट खा लो ना तो एनर्जी आ जाती है। तो फर्स्ट मैं जा रही हूँ चॉकलेट खरीदने मार्केट में, जो यहाँ पे पास में ही एक शॉप है उधर पे, और उसके बाद मार्केट जाऊंगी अपने सैंडल खरीदूंगी, उसके बाद देखूंगी कि मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। तो चलो जो भी करूंगी ना आप लोग के साथ तो शेयर करती रहूंगी, सो लेट्स कम विद मी गाइस। अभी होटल से निकल गई हूँ और अभी ना थोड़ी सी गर्मी हो रही है और मेरे बाल ऐसे उड़ रहे हैं, क्योंकि ना मैंने 3 दिन से अपने बाल ही नहीं काटे हैं, क्योंकि मैं अपना कंगन लाना ही भूल गई। अभी सबसे पहले मैं वही खरीदूंगी जाके, ऐसे हो रहे हैं जंगली जैसे बाल एकदम। तो चलो, और ये देखो कितने सारे कबूतर, किसी ने शायद इन्हें दाना डाला है, उड़ गए। यहाँ पे ऐसे 7-Eleven स्टोर है, यहाँ पे से जाके पहले मैं एक चॉकलेट खरीदूंगी और एक अगर कंघा मिल जाता है मुझे ना तो वो खरीदूंगी। तो चलो देखती हूँ मिल जाता है कॉम वगैरह या नहीं। फिलहाल ये मेरे को एंट्री के टाइम पे कुछ पूछ रही थी बट मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं बस आ गई अंदर। है तो ऐसे क्लिप्स वगैरह बट कंघा नहीं दिख रहा मुझे, छोटे बच्चों का है यार। हाँ ये मिल गया। जिस स्टोर में कल गई थी ना उससे बेटर लगा ये स्टोर, इसमें ना ये प्रिंगल्स मिल गए, इनका टेस्ट सेम ही होता है। तो मैंने सोचा 2 चॉकलेट्स लेती हूँ, प्रिंगल्स लेती हूँ, और भी अगर कुछ दिख जाता है मेरे लाइक तो मैं वो भी खरीद लेती हूँ फटाफट से। ये दोनों चीजें ले लिया और निकल रही हूँ अब बस मार्केट से, और जाऊंगी टैक्सी पकड़ूंगी पहले। और टैक्सी निकल गई है तो चलो पहले टैक्सी पकड़ती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे ना ये चीज बहुत अच्छी है, हर एक स्टोर के बाहर ना ऐसे बाइकर्स खड़े रहते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ पे रिक्शे मिल जाते हैं ना वैसे ये बाइकर्स खड़े रहते हैं, आपको जाना है तो इनको ले लो और इनके साथ चले जाओ। और ये आंटी पता नहीं क्या लॉटरी के टिकट बेच रही थी, यहाँ पे लॉटरी टाइप के टिकट्स बहुत बिकते हैं। मैंने इनसे पूछा ये क्या है क्या है, ना ये मुझे समझा पाई ना मैं समझ पाई, बट मुझे तो लॉटरी के टिकट टाइप के ही लग रहे थे ये। तो चलो फाइनली टैक्सी मिल गई, टैक्सी आज मुझे काफी देर में मिली, मैं बहुत देर से खड़ी हुई थी बट चलो फाइनली मिल गई है। और मीटर से ही जा रही हूँ तो कोई टेंशन भी नहीं है। और रत्नम मार्केट जा रही हूँ और सबसे पहले लेनी है मुझे सैंडल, क्योंकि मैंने दिखाया था ना मेरी सैंडल टूट गई है, और उसके बाद देखूंगी और क्या क्या लूंगी वहां से। सो मैं अभी आ गई हूँ प्रतुनम मार्केट में, जो कि अपनी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मैंने कुछ लिया है छोटे छोटे बच्चों के लिए घर के, और देखती हूँ और क्या क्या मिलता है। साइज का बड़ा इशू है यहाँ पे ना, थोड़े पतले पतले लोग हैं ना तो साइज थोड़ा ढूंढना पड़ता है, और ये लोग आवाज लगा देते हैं कि ये देख लो वो देख लो, ऐसा लग रहा है सरोजनी नगर मार्केट में घूम रही हूँ। चलो देखती हूँ पहले और दिखाती हूँ आपको ये मार्केट। और यहाँ पे मैंने अपने लिए सैंडल्स भी खरीद लिए थे।
और ये देखिए इस मार्केट में ना टॉप और ड्रेसेस, पर्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है क्योंकि ना यहाँ पे काफी पतले लोग हैं, तो मेरे साइज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी ढूंढने में। हेलो हेलो। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, बट इसमें भी थोड़ा स्मॉल साइज था, मेरे साइज का नहीं मिला यार यहाँ भी। और यहाँ पे चलते चलते देखो मेरे को ये क्या दिखाई, ये टी शर्ट्स यहाँ पे ना बहुत फेमस है, ये ना रेडियम वाली टी शर्ट्स है, ये रात में ना इनके अंदर लाइट जो होती है ना रेडियम, वो बहुत ग्लो करता है, तो मैंने यहाँ से ये तो खरीद लिया। वहाँ पे सारा इनका खाना भी लग गया है, स्ट्रीट फूड। समझ ही नहीं आ रहा है क्या खरीदूं, काफी सारी चीजें देख ली हैं। और एक तो ऐसा पगलेट मिला मुझे मैं उसे नाइट सूट देख रही थी और मैंने उसका निक्कर निकाला मैं चेक करने के लिए कि साइज है कि नहीं, उसने बोला लो यू गो, मैंने कहा भाई भाग लो कहीं पिटना ना पड़े। चलो और देखती हूँ क्या क्या चीजें हैं और आप लोग को भी दिखाती हूँ। और ये जो प्रतनम मार्केट है ना, ये बिल्कुल दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट जैसी है। आप आओगे ना तो आप अपने साथ इतनी सारी चीजें लेकर जाओगे क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ना मतलब ठीक रेट पे हैं, मतलब बहुत सस्ता तो नहीं बोलूंगी मैं, बट ठीक रेट पे हैं और काफी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब आपका मन करेगा आप ये भी ले लो आप वो भी ले लो, तो काफी अच्छा है ये मार्केट। मैंने एक दो चीजें खरीद ली है, ये मैं होटल में जाके दिखाऊंगी और अभी थोड़ा और शॉपिंग करूंगी, बट मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया है यहाँ पे प्रतनम में, तो मैं पहले जा रही हूँ और उसके आगे लिखा है प्योर वेजिटेरियन। अभी मैं दिखाती हूँ एक बार, ये देखो श्री भवन और उसके साइड में भी एक है ऑथेंटिक साउथ इंडियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ये प्रतनम में है। मैं मैं रोड क्रॉस करती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ। घूमते घूमते जितना थक गई हो ना, तो पहले तो पीऊंगी यार ये सोडा। सॉल्टेड दे दिया। और अभी देखो डोसा ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा होता है इनका डोसा, अगर अच्छा हुआ तो पैक करा के भी ले जाऊंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं और पे देखूंगी। और यहाँ पे ना पीछे सॉन्ग्स बहुत चलते रहते हैं, तो मुझे बार बार अपनी ना वीडियो को म्यूट करना पड़ता है, कॉपीराइट ना आ जाए उसके लिए। और ये डोसा इतना यम्मी लग रहा था देखने में, मैं पता है दिल्ली में जब होती हूँ ना, मेरा एक टाइम का ब्रेकफास्ट तो इडली सांभर ही होता है क्योंकि मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे यहाँ पे जब ये डोसे वगैरह की शॉप दिखी ना तो मैं तो पागल ही हो गई एकदम से। और ना यहाँ का स्टाफ ना बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हुआ था देखने के लिए कि इनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ये लोग फीडबैक बहुत लेते हैं हर एक चीज़ में ना, मतलब चाहे आप किसी शॉप पर चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ तो फीडबैक लेते हैं आपसे, तो वो मेरे सर पे ही खड़े हुए थे कि कैसा है। बट मैं सच बताऊं वो मेरे सर पे खड़े थे तो मैंने थोड़ा बोल दिया यस बहुत टेस्टी है, बट ये बिल्कुल टेस्टी नहीं था। इन लोगों ने डोसे में भी पता नहीं कौन सा ऑयल डाला था कि इतनी स्मेल कर रहा था ये। ओके, यहाँ ना लाइन से ना इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको, बेसिकली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। लेकिन और दिखाती हूँ, सारा साउथ इंडियन फूड के लिए यहाँ पे। भी जहाँ से मैंने खाया ना ये डोसा मज़ा नहीं आया बिल्कुल, बस वही खा लिया, बट ना एक तो स्टाफ मेरे पूरे सर पे खड़ा था तो मुझे बोलना पड़ा, अदरवाइज ना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं बट ये सब साउथ इंडियन फूड के लिए ही है, बट मैंने देखा ही नहीं, मैं वहीं पहुँच गई सीधा, मुझे लगा एक ही है। चीज़ होती है जहाँ का खाना अच्छा होता है ना वहाँ ना ऑटोमेटिकली भीड़ होती है, तो यहाँ ना किसी भी रेस्टोरेंट में मुझे भीड़ नहीं दिखी, एकदम खाली पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि मैंने एक जगह से ही खाया, इतना बकवास टेस्ट है इसके डोसे का। तो अभी देखती हूँ अगर कुछ अच्छा लगा तभी लूंगी यहाँ से खाना, अदरवाइज देखूंगी। एटलीस्ट जहाँ पे मैं कल परसों गई थी वहाँ पे ना भीड़ ही भीड़ रहती थी खाने की, अब यहाँ तो बिल्कुल खाली पड़े हैं रेस्टोरेंट्स। सारे खाली पड़े हैं, पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है बाहर ही और सबको ये बुला रहे हैं कि आ जाओ खाना खा लो। एक्चुअली इनने क्या किया है ना, इंडियंस के अट्रैक्शन के लिए इनने अपने रेस्टोरेंट के नाम तो इंडियन रख दिए हैं, बट जो इनके शेफ है ना वो इंडियन नहीं है, तो इसलिए खाने में टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। हरी अंकल मिल गए हैं वो मैंने अभी मैगी ढूंढ रही थी एक जगह मुझे दिखी, वो ना 60 बात की दे रहे थे, मतलब 120,
तो वो वहीं पे बैठ के चाय पी रहे थे, तो उनने मुझे बोला ये लूट रहा है तुम्हें, तुम दूसरी जगह से ले लो जाके। तो वो मुझे बता रहे हैं साथ साथ अभी देख रही हूँ, तो वो देखने गए हैं, वो कह रहे हैं तुम यहीं रुकना, तुम्हें देखेंगे ना तो ज्यादा में देंगे, इसलिए मैं बताता हूँ। वो तो पीछे वहाँ पे बात कर रहे हैं अंकल, ये गए वो जो थैला लिए हुए है ना वो। हेल्प कर दी यार। आप यही रहते हो वैसे? अच्छा, इन अंकल वगैरह ने हेल्प कर दी मेरी, यहाँ से सामान मिल गया, मैगी। अरे हम बहुत ढूंढ रहे थे। चलो अंकल थैंक यू, मिल गया यार। ये जो अंकल जा रहे हैं ना, ये मुझे मिल गए बिहार साइड के। इन्होंने देखा मैं ना मैगी ढूंढ रही हूँ, तो एक जगह पे मैं गई ना तो वो मुझे काफी महंगी दे रहा था, और वो भी एक ही जगह पे थी। तो अंकल ने मुझे बोला यहाँ से मत लो, मैं तुम्हें एक स्टोर दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं वहाँ से ले लेना। और इन्होंने मुझे सस्ते में दिलवाई, पता है। सही में यार, दूसरे देश में अपने देश का कोई मिल जाता है यार, काम तो आ ही जाता है। और आगे चलते चलते मुझे एक स्टोर पे ना ये बैंकॉक का बंदा बॉलीवुड सॉन्ग्स में डांस करता भी दिखा। फिलहाल अभी शॉपिंग कर रही हूँ, साथ साथ ले लिया है। और पता है सिर्फ इंडिया के लोग बार्गेनिंग नहीं करते, हर जगह के लोग खूब चिक चिक बाजी करते हैं और अच्छी खासी बार्गेनिंग करते हैं। अभी एक मेरे को साउथ अफ्रीकन मिले और वो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे 10 रुपए कम कराने के लिए। मैं वही सोची यार ठीक है, चलो एक बार और देखती हूँ। बैग्स वगैरह भी हैं यहाँ अच्छे खासे, थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ ना आपको काफी अच्छे अच्छे ना बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, क्लिप्स, चीजें काफी अच्छी अच्छी हैं, बट समझ नहीं आ रहा ना क्या क्या लेके जाएंगे यार। तो नाइस बैग्स भी, बहुत क्यूट क्यूट बैग्स हैं। देखो यहाँ का मार्केट बंद होने लग गया है और यहाँ पे ना अब नाइट मार्केट स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी देर में, बस देख रही हूँ कुछ मिल जाए तो। ये देखो यहाँ पे ड्राई फिश कैसे मिल रही हैं, पता नहीं यार क्या ही चीज़ है, समझ भी नहीं आ रही। पूरा मार्केट बंद होने लग गया है नाइट मार्केट के लिए। फिलहाल काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल गई और मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। अभी देख रही हूँ जल्दी जल्दी और कुछ मिल जाता है वरना मार्केट बंद हो जाएगी। ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। मैं ना थोड़ा लेट आई आज, मैं निकली नहीं, मेरी तबीयत डाउन थी ना, मैं निकल नहीं पाई। ये जो प्रतुनम मार्केट है ना, ये जस्ट प्लैटिनम मॉल जो था ना, जो मैंने आपको कल दिखाया था, उसके जस्ट अपोजिट में ही है। तो अभी दिखाती हूँ, प्लैटिनम मॉल जो सामने ही है इसके, और मार्केट पूरा बंद हो गया इसलिए अंधेरा भी हो गया। मैं बाहर निकल रही हूँ और आज मैं मसाज करा के जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थक गई हूँ। ये देखो जस्ट सामने ही है द प्लैटिनम मॉल और उसी के अपोजिट में है। अगर कल मुझे पता होता ना तो मैं कल ही आके यहाँ पे राउंड मार जाती, पता ही नहीं था ये है। और इसके अपोजिट में ही मैं हूँ जहाँ से भी मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ। हाँ मैं खड़ी हूँ प्रतुनम मार्केट पे जो कि अभी बंद हो गई है। इसकी भी टाइमिंग्स है यार, जब भी आओ ना टाइमिंग जरूर चेक करके आओ। यहाँ पे ना ऐसे एक कटहल भी मिलता है, फ्रूट, इसे जैक फ्रूट कहते हैं ना। ये देखो मेरा है ना बहुत मन था एक बार खाने का, बट ना अब यहाँ पे देख के ना मेरा मन ही नहीं कर रहा। बट यहाँ पे ना एक चीज अच्छी है, आप चलते रहोगे ना आपको ना फ्रूट्स कटे हुए या फिर जूस आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आप ऐसे चलते चलते आपको फ्रूट या जूस वूस पीना हो तो आप आराम से पी सकते हो। ऐसी भयानक स्मेल आती है ना इनके स्टॉल के पास से निकल जाओ तो, नाक ना बंद करनी पड़ती है ऐसे, एकदम कच्चा कच्चा बना रहे हैं बस एकदम फ्रेश। भगवान जाने क्या है ये। ये देखो देख पकड़ रखे हैं एकदम फ्रेश है यार, जिंदा क्रैब वगैरह देखना। Thank you.
और ये क्रैब पता है जिंदा है, इन लोगों ने इतना टाइट इन लोग को बांध रखा है कि ये बेचारे हिल विल भी नहीं सकते हैं, और ये एकदम फ्रेश फ्रेश निकालते हैं और एकदम गैस पे रख देते हैं जब कोई ऑर्डर देता है। तो आ गई हूँ मसाज के लिए। यार यहाँ पे आके मसाज ही नहीं करवाओगे तो फायदा नहीं है। आ गई हूँ मैं फिर से फुल बॉडी मसाज कराऊंगी, आज दूसरी जगह पे कराऊंगी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मिले या ना मिले, बट जो मसाज पार्लर्स है ना वो हर दो कदम पे आपको मिल जाएंगे, और ये लोग मसाज बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बट इनके रेट ना थोड़े ऊपर नीचे ये लोग रखते हैं अट्रैक्शन के लिए, तो वो आप देख लेना, आपको जहाँ सस्ती लगे वहाँ से आप करवा लेना। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग थोड़ा सस्ता ले रहे हैं तो वो बेकार करते होंगे या जो महंगा ले रहे हैं वो अच्छा करते होंगे, ये ऑलमोस्ट सब लोग एक जैसी मसाज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और पता है कल जितने में मैंने पूरी फुल बॉडी मसाज कराई थी ना, आज ये और कम में कर रहे हैं, तो देखना पड़ता है। यार क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नाइस। सो फाइनली मसाज करवा ली आज भी, और आज इन्होंने मसाज की है ना, मैंने कहीं और से करवाई, इतनी गजब मसाज करी है, पता है ऐसी ऐसी हड्डियां चटकाई है कि मुझे भी नहीं पता था यहाँ यहाँ पे हड्डियां भी होती हैं। ये देखो तो अभी जा रही हूँ, देख रही हूँ थोड़ी बहुत और शॉपिंग हो सकती है तो, और हो जाएगी तो ठीक है, कुछ पीना पड़ेगा, बहुत प्यास लगी है। चलो वो पौआ पी के पड़ा था, मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया। मसाज कराने के बाद मुझको लग रही है बहुत ज्यादा प्यास, तो मैं जा रही हूँ जूस पीने और वहीं पे आई हूँ जहाँ पे मैंने ना लास्ट टाइम पिया था, क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा था। चलो देखती हूँ। मैंने ले लिया है अपना ये लेमन जूस, बहुत रिफ्रेशिंग है यार ये, बट गले में ना एकदम से लगता है क्योंकि ये लोग ने बर्फ में रखते हैं। हाय, लोग बहुत अच्छे हैं, देखते ना वीडियो बना रहे तो खुद से ही आ जाते हैं हाय हेलो करने। चलो, और अगर मैं यहाँ पे एक महीना रह जाऊँ ना तो मैं पतली होकर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सारा फूड ना सारा बॉइल्ड फूड है, और थोड़ा सा जो बारबेक्यू है वो सब तो फिश ऑयल में होता है इनका, तो वो हेल्दी भी होता है, तभी ये लोग ना यहाँ पे बिल्कुल मोटे नहीं है, एकदम पतले पतले लोग हैं। और यहाँ आ गई हूँ नाइट मार्केट में बैंकॉक में, यहाँ पे भी सारी शॉपिंग होती है, बट ये ना सिर्फ नाइट में लगती है, डे में नहीं लगती। चलो दिखा दूँ क्या क्या है। और जिस नाइट मार्केट में मैं आई हूँ ना, ये प्रतनम से 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसका नाम मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही बोलते हैं नाइट मार्केट है। फोन कवर्स हैं, पे बैग्स हैं, यहाँ ना जैसे हमारे सोमवार बाजार में वो लगाते हैं ना कि 20 रुपए किलो, वैसे यहाँ पे भी आवाज लग रही है। अच्छा लग रहा है यार ये मार्केट काफी, ये बहुत क्यूट है। मार्केट में घूमते घूमते ना मुझे ये दिख गया, और यहाँ पे ना ये लोग पूजा करते हैं, इनका टेंपल है मतलब, ये देखो यहाँ पे, ये देखो सारी खाने पीने की चीजें भी रखते हैं, बियर भी रखते हैं, और ये देखो यहाँ पे इन लोग ने बियर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट, सब चीज रखे हुए हैं। और इस नाइट मार्केट में भी ऑलमोस्ट सारी ही चीजें थी, टी शर्ट्स मिल रही थी, ड्रेसेस मिल रही थी, और भी बाकी पर्स मिल रहे थे, मोबाइल कवर मिल रहे थे, बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, तो सारी मार्केट ऑलमोस्ट सेम है। बट जो प्रतनम मार्केट है ना वो थोड़ी सी इससे चीप है, और
अच्छी है, मतलब मुझे जो कंपेयर मैंने करा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे देखो कॉस्मेटिक्स भी मिल रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया, एक दो चीजें मुझे काफी अच्छी लग रही थी बट ये लोग ना ट्राई नहीं करवा रहे थे, बस ऐसी ले लो विदाउट ट्राई करे हुए, तो इसलिए मैंने खरीदा नहीं, वरना मेरा मन कर रहा था कुछ कुछ चीजें लेने का यहाँ से। मार्केट में घूमती घूमती भयंकर थक चुकी हूँ, बट मेरे साइज का कुछ मिल ही नहीं रहा है, सारे स्मॉल साइज। अब मैं ना होटल की साइड जा रही हूँ, आज सोच रही हूँ खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के लिए ना दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, वो भी 30 किलोमीटर दूर, तो मैं सोच रही हूँ मैं सीधा ना होटल निकल रही हूँ। मैं बहुत थक गई आज और थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है, और एक टैक्सी वाले से पूछा, मैंने बताया था ना कि कुछ कुछ लोग ढंग के मिलेंगे, कुछ कुछ थोड़े ऐसे भी मिलेंगे, तो उसने देखा कि भाई टूरिस्ट है, इसको पता नहीं होगा मीटर से जाना है, मुझे कह रहा है कि 800 मतलब 800 बात में लेकर जाएगा, मतलब 1600 इंडिया का पैसा, तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला आप मीटर से चल लो, तो कहते नो नो नो। चलो रास्ते में एक ना मंदिर दिख गया, वो दिखा देती हूँ, मैंने भी नहीं देखा था। ये देखो ये जो इनके मंदिर होते हैं ना, इसमें ये लोग ना बियर और इन सब का भी भोग लगाते हैं। ये देखो ये धूप बत्ती चल रही है, और वो ऊपर देखो सारी बियर वगैरह रखी है। ये देखो तो चलो चलते हैं, टैक्सी ढूंढती हूँ पहले, काश कुछ रास्ते में ही खाने का मिल जाए, यार भूख बहुत लगी है, चक्कर आ रहा है बुरा वाला, सिर्फ इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही इतनी दूर जाने की। देख रही हूँ चल रही हूँ, कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ना आपको जगह जगह पे बुद्धा के मंदिर ना काफी सारे मिल जाएंगे। थक गई हूँ और ना भी कोई टैक्सी नहीं मिल रही, एक्चुअली टैक्सी है बहुत सारी बट मैं आउटर पे हूँ ना तो वो जा नहीं रहे, देखती हूँ। तो अभी टैक्सी ले ली और मैं निकल गई हूँ अपने होटल की तरफ। सो गाइस अभी आ गई हूँ वापस होटल में, और आज ना खाना वाना कुछ नहीं मिला है, तो आज मैं गई भी नहीं, क्योंकि ना मार्केट जहां मैं गई थी ना प्रतनम, वहां से मुझे जहां से मैं खाना खाती हूँ ना 30 किलोमीटर्स और जाना पड़ता, तो मैंने सोचा अब मैं नहीं जा रही, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ और ना थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, बार बार ना ऐसा लग रहा है कि फीवरिश सा फील हो रहा है, तो मैं गई नहीं। और मैं ना यहाँ पे ना मैगी लेकर आई हूँ, मैगी ना इंडियन मिलती नहीं है, बट ना एक मेरे को ना बिहार के अंकल मिल गए थे वहां पे, उन्होंने मुझे देखा और ना पहचान लिया, तो वो मुझे बोलते कि मैं तुम्हें एक इंडियन स्टोर पे ले चल रहा हूँ और तुम्हें मैगी ढूंढ रही हो तो तुम वहां से ले लो, फिर वो मेरे को लेकर गए, और वहां पे पता है यार जो मैगी यहाँ पे 55 रुपीज के 4 पैक मिलते हैं ना, वो यहाँ पे मुझे मिला है 240 इंडियन करेंसी का 240 रुपीज में। पर फिर मैंने सोचा यार अगर कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए तो बेटर है आसपास, मतलब ऐसी चीजें रख ले रही हूँ, तो मैं एक 4 पैक वाला मैगी उठा के ले आई, और एक वो नहीं होती मूंग दाल की भुजिया वो लेकर आ गई। अब मैं इसीलिए ना मैं खाना वाना कुछ लेने गई नहीं, मैंने सोचा चलो वापस होटल ही चलते हैं, तो आ गई हूँ। और आज इंडिया में ग्रहण भी पड़ा, इंडिया में नहीं मम्मी बता रही सब जगह ही पड़ा है ग्रहण, तो मम्मी ने मेरे को पहले ही फोन कर दिया कि फटाफट से आके नहावा लेना और तभी थोड़ा लेटना वेटना, तो अभी मैं बस बाहर से आई थी और फिर मैं नहा ली हूं, और अब मैं करूंगी रेस्ट, अभी तो भूख भी नहीं लग रही, अजीब सा ही हो गया, तो अभी रेस्ट करूंगी और फिर देखती हूँ थोड़ा बहुत मूवी वूवी देखूंगी या क्या करूंगी। यहाँ पे तो सारे हिंदी के चैनल आ रहे हैं, तो मैंने ना पहले से ही घर से Amazon प्राइम Netflix वगैरह करके आई थी मैं, तो अभी देखती हूँ अगर कुछ आ रहा होगा तो मैं वो देख लूंगी। मैं ना अभी होटल में थोड़ा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं एक बार ना पास की मार्केट में ही घूम कर आ जाऊं, तो मैं निकल गई हूँ वापस से, यार बोर हो रही हूँ अकेले बैठ के क्या करूं फिर। और वैसे मेरे यहाँ मार्केट पे ऐसा कुछ है नहीं इधर, बट वो ये ग्रॉसरी स्टोर है, तो देखती हूँ कुछ मिल जाता है तो ले लेती हूँ,
फिलहाल ना अभी कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत तलब लग रही है, बट यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थोड़ी अलग सी है, बट शायद कोक और पेप्सी है, बट देखती हूँ कौन सी है तो ले लूंगी। और नहा के आ गई एकदम मस्त। खुला हुआ है मार्केट, मुझे लग रहा था बंद हो गया होगा, तो आ गई हूँ। देखती हूँ स्टोर में जाके क्या मिलता है, कुछ मिल जाए मजा आ जाएगा। है तो स्टोर तो खुला है। एक बार ना मैं सोच रही हूँ पहले, चलो स्टोर में ही चलती हूँ पहले। ढूंढ रही हूँ कुछ मिल जाए, दिखाऊं। बियर हर स्टोर पे मिल जाती है। कोक तो है बट समझ नहीं आ रहा, लेके देखती हूँ, आई थिंक सही होनी चाहिए। कॉफ़ी के लिए देखो कैसे बना रखा है, यहाँ से सैशे वगैरह लो और अपनी कॉफ़ी इंस्टेंट अपने आप बना लो। फिलहाल मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया है और ये लोग बहुत क्यूट है। मैंने ना इनसे कॉम मांगा और ना इनके पास है, बट ना वो खो गया है। तो कह रहे आप मुझे कल आके ले लेना, सॉरी बोल रहे हैं, बट थैंक यू। तो मैंने अभी थोड़ा बहुत ये सामान ले लिया है, इसमें कोक वगैरह लिए, बहुत मन कर रहा था पीने का। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा भी है यार, बाहर है मार्केट थोड़ा बहुत, जो ग्रॉसरी स्टोर है ना वहाँ जहाँ लाइट दिख रही है उस साइड। अभी जा रही हूँ वापस अपने होटल, क्योंकि और कुछ है ही नहीं तो फिर करूँगी क्या घूम के। तो मैं सोचूँ वापस चलती हूँ और ना देखती हूँ, अगर यहाँ पे ग्रैब चलता है, मैंने बताया था ना, अगर वहाँ से खाना ऑर्डर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो मैगी खा के काम चलाऊंगी। जा रही हूँ, काफ़ी अंधेरा हो जा रहा है इधर, पर जहाँ पे मैं बता रही थी ना वो है सुकुम्बे, तो वहाँ पे ना पूरा मार्केट एरिया और वहाँ पे ना पूरी नाइट लाइफ है। वहाँ पे आप पूरी रात भी घूमोगे ना तब भी कोई डर नहीं है, आराम से आप घूम सकते हो, और मतलब पूरी रात आप घूम सकते हो। बट हमारा होटल इतना आउटर पे पड़ गया है ना कि सब सुनसान हो जा रहा है एकदम। और वैसे भी कल तो निकलना है हमें यहाँ से, हम लोग जाएंगे फुकेट, फिर वहाँ पे भी 3 दिन का स्टे है, तो वहाँ देखते हैं अब कैसा होता है। अभी फिलहाल जा रही हूँ, आ गया है होटल, ये देखो पीछे ये होटल आ गया है। तो बस, और ना यहाँ पे जो ग्रॉसरी स्टोर है ना, यहाँ के लोग भी बहुत क्यूट है। मतलब मैंने ना उनसे बाल काटने के लिए कंघा मांगा, पहले वो समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने मतलब मुझे बोला आप लिख के बता दो, तो मैंने लिख के बताया, तो वो उनके पास एक्चुअली है वो, बट ना वो मतलब इधर उधर हो गया है तो उन्होंने ना सेट नहीं हुआ है, तो मुझे इतना सॉरी बोल रही कि वो मेरे पास है बट मैं मतलब तो सेट नहीं है सामान, तो आप कल ले लेना मुझसे। तो मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, मैं कल लेने आ जाऊँगी। तो बहुत अच्छे हैं, सॉरी फील कर रहे थे, बट आराम से वीडियोज़ में भी आ जाते हैं, साथ में बात भी कर लेते हैं। आ गई हूँ रूम में, तो चलो अभी पहले मैं ग्रैब पे सर्च करती हूँ कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता, और अगर मिल जाएगा तो खा लूंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी कि क्या खा रही हूँ, बट अगर नहीं मिलता तो फिर वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगी और मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज हैंग आउट विद यामिनी।